नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में भारत के प्रमुख झीलों के बारे में डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके सिलेबस का हिस्सा है। आपके एग्जाम में एक या दो नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। हर एक पॉइंट को नोट करिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ताज के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता, लड़ते रहो हर एक पल क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। मान लीजिए आप एक किसी एग्जाम में पास भी हो गए तो आपको आगे के लिए मेहनत करना है, और अगर आप सिलेक्ट नहीं हो रहे तो भी मेहनत करना है। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आपने जो संकल्प लिया है उसके लिए आपको मेहनत करनी ही है। अपना अपने माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाना है। स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि आपको कम टाइम में बहुत सारा कंटेंट देना है। आप जल्दी जल्दी नोट करिएगा और स्पीड को मैनेज कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वुलर झील कहाँ पर स्थित है? तो वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। कैसी मीठे पानी की झील है? भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। उकाई झील कहाँ पर? उकाई झील गुजरात में, और इसी में क्या उकाई जल परियोजना भी स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। उकाई झील कैसी झील है? मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील या कृत्रिम झील, जैसे गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कैसी है? मानव निर्मित झील है। उकाई जल परियोजना किस नदी पर है? गुजरात में स्थित है, ताप्ती नदी पर स्थित है। गोविंद सागर झील कहाँ पे? गोविंद सागर झील आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन बांध कहाँ पे? नागार्जुन बांध आपके कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में कौन सा तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी स्थित है? कहाँ पे स्थित है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। इस टाइम के आपके एग्जाम में अनुसंधान से क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? आपके लखनऊ में स्थित है। गन्ना अनुसंधान लखनऊ में। दलहन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? दलहन अनुसंधान आपके कानपुर में स्थित है। कपास अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? नागपुर में स्थित है। चावल अनुसंधान, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान आपके कटक उड़ीसा में स्थित है। कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। निजाम सागर किस नदी पर स्थित है? निजाम सागर आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, और किस नदी पर है? तो मंजरा नदी पर है। तुंगभद्रा झील किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक पर स्थित है। इसके साथ ही कर्नाटक में और कौन सा डैम है? तो कर्नाटक में आपका कृष्ण सागर बांध है, और किस नदी पर है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। नागार्जुन सागर बांध, निजाम सागर, तुंगभद्रा, ये तीनों कैसे झील हैं? कृत्रिम झील हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील किस राज्य में स्थित है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील छत्तीसगढ़ और यूपी दोनों में स्थित है। बेतवा माता टीला परियोजना किस राज्य में स्थित है? यूपी में स्थित है, और किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर बनाया गया है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील रहन नदी पर है। प्रमुख डैम और झीलें आप रट लीजिए। डैम का वीडियो पहले आ चुका है, उसको आपको पता ही होगा सारे क्वेश्चन। भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट डैम हम सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है? ये दोनों राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी। आपके एग्जाम में कई बार सीएम और गवर्नर से भी क्वेश्चन पूछता है। पॉलिटी में हम सब डिस्कस कर चुके हैं, सीएम गवर्नर कितनी विधानसभा सीटें, कितनी राज्यसभा, कितनी विधान परिषद। आपके 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे क्या विधान परिषद है। कौन कौन से 6 राज्यों में विधान परिषद? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। गांधी सागर किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर आपका एमपी में। एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। अभी हाल ही में नाबेबिया से हम 8 चीते लाए, कहाँ पे रखे गए उनको? कूनू राष्ट्रीय उद्यान में। कूनू राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ पे? एमपी में। कूनू, पन्ना, ये सब आपके कहाँ पे? एमपी में। एमपी को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। टाइगर की संख्या दुगनी पर T+2 अवार्ड मिलता है। अभी हाल ही में T+2 अवार्ड किसको मिला है? T+2 अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। इससे पहले 2021 का T+ अवार्ड किसको मिला था? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। भारत में टाइगर रिजर्व कितने? 53 टाइगर रिजर्व हैं। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। 52वां कौन सा है? रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व, जो बूंदी राजस्थान में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। भारत में यूनेस्को की धरोहर कितनी है? 40। अमूर धरोहर कितनी है? 14।
भारत में रामसर स्थल कितने 75 और टाइगर रिजर्व कितने 53। ध्यान रखिएगा अक्सर एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी हाल ही में। अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए, सर्वाधिक जो आपकी आर्द्र भूमि स्थल है कहाँ पर स्थित है? सर्वाधिक आप तमिलनाडु में हो गए 15, इससे पहले आपके यूपी में थे, यूपी में कितने थे 8। इससे पहले अभी जब आप नए जोड़े गए, इससे पहले सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे थे? यूपी में आपके जैसे कीथम झील हो गई, ऐसे सब क्या थे? आर्द्रभूम स्थल थे। लेकिन अब सर्वाधिक आर्द्रभूम स्थल कहाँ पे? आपके तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितने हो गए 15, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? लोकटक झील आपके मणिपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। लोकटक को एक लड़का कटक गया, क्या कटक गया? मणि कटक गया, तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। राणा सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर किस नदी पर है? ये सब चंबल नदी पर है। चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल यमुना की सहायक नदी है। पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील। नॉर्मल पूछेगा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगर पूछेगा पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील, कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और आपके भुवनेश्वर में, उड़ीसा के जो भुवनेश्वर, वहाँ पे क्या कोणार्क मंदिर है? कोणार्क मंदिर को हम ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं। और 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा है? कोणार्क मंदिर, ध्यान रखिएगा। केविल लोमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? जैसे तैरता हुआ नेशनल पार्क बोलते हैं, लोकटक में स्थित है। चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील कैसी है? खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील खारे पानी की भी है, लैगून झील भी, और कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अभी हाल ही में ओडिशा को जो बिरसा मुंडा स्टेडियम था, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? राउरकेला में। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ध्यान रखिएगा। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिल्का झील महानदी पे कैसी झील है? लैगून झील है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। पुलिकट झील कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील किस प्रकार की झील है? पुलिकट झील में लैगून झील है। श्री हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य हुसैन सागर झील है। वेम्बनाथ झील केरल में। वेम्बनाथ झील में कौन सा द्वीप है? वेलिंगटन द्वीप। और सबसे बड़ा द्वीप कहाँ पे? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, कहाँ पे स्थित है? असम पे। वेम्बनाथ झील में कौन सा द्वीप स्थित है? वेलिंगटन द्वीप। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-47A जो कि वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। अष्टमुदी झील किस झील है? अष्टमुदी झील आपके केरल में स्थित एक लैगून झील है। लोनार झील कहाँ पे? महाराष्ट्र में। लोनार झील कैसी झील है? एक क्रेटर झील है। उल्का पिंड से गिरने से बनी कौन सी झील? लोनार झील एक ऐसी झील है जो क्या हुआ, उल्का पिंड के गिरने से बनी है। ये क्वेश्चन आपके एक बार PCS के एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? भारत की अगर पूछेगा सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है तो लियो चिहुम झील। अगर विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौका युग झील तो आपकी टिटिकाका झील है। टिटिकाका झील है सबसे ऊंचाई पर और कहाँ पे? पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी लैंगोर झील चिल्का उड़ीसा में। पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील मणिपुर में। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जो लिहोमे झील। भारत की लोनार झील कैसी झील है? क्रेटर झील जो उल्का के गिरने से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड थोड़ी ज़्यादा है लेकिन आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि आपको एग्जाम टाइम तक सारे पॉइंट को एकदम रटा देना है। और ये सारी चीज़ें एक बार हम कि जब क्लास पढ़ी थी तो बहुत सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मैं फिगर बना बना के समझी थी। लोचियामी झील से किस नदी का उत्पन्न होता है? तिस्ता नदी। तिस्ता नदी का उद्गम ही लोचियामी झील से होता है जो भारत की ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंची झील है। डल झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। वुलर झील जम्मू कश्मीर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील जो कि मणिपुर में। और अभी आपकी मीराबाई चानू का संबंध भी मणिपुर से, ध्यान रखिएगा। मीराबाई चानू ने क्या किया था? पेटलिम्टी में जो ओलंपिक हुए थे टॉप के ओलंपिक में गोल्ड लाई थी और कॉमनवेल्थ में गोल्ड लाई जबकि टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल लेके आई थी। पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? अजमेर राजस्थान में। ये मैंने मैप बना दिया, एक बार आप देख लीजिएगा।
सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक बार देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दूंगी और इसके साथ ही आपके टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।